बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जमशेद और आप लोग देख रहे हैं पनियाला टेक यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आप लोगों के सामने ऑनलाइन अर्निंग की एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों ने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कोई भी आप लोगों ने एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने जस्ट कॉपी पेस्ट काम करना है और आप लोगों ने इस वीडियो में थोड़ा सा मेहनत करना है। मैं आप लोगों को फाइवर की तरफ कभी भी नहीं लेकर जाने वाला इस वीडियो में। मैं आप लोगों को एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहां पे हजारों प्रोजेक्ट अभी भी अवेलेबल है और वहां पे फ्रीलांसिंग की कमी है, ठीक है, ट्रस्टेबल वेबसाइट है। बस काम इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, करना आप लोगों ने है, ठीक है। लैपटॉप पे जाने से पहले अगर आप पनियाला टेक यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि ऑनलाइन अर्निंग के मुताबिक या जो भी फ्री कोर्स में अपलोड करता हूं आप लोगों तक बर वक्त पहुंचे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। जी तो दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं आ चुका हूं और यहां पे मैं अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूं। जैसे ही मैंने यहां पे अपना ब्राउजर ओपन कर लिया, यहां पे आप लोग देख सकते हो मैंने आप लोगों के लिए एक वेबसाइट ओपन की हुई है, एडोबी एक्सप्रेस, ठीक है। तो आप लोगों ने यहां पे एडोबी एक्सप्रेस सर्च करना है। जैसे ही आप लोगों के सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, आप लोगों ने इस यूआरएल पे जो सबसे पहले आ रहा है इस पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी वेबसाइट जो है एडोबी एक्सप्रेस भी वो हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस पर आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं कि मेक ए फ्री प्रोजेक्ट विद एडोबी एक्सप्रेस, ठीक है। ये फ्री जिस तरह कैनवा फ्री है, ठीक है, आप भी इसको यहाँ पे फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं डिज़ाइन के लिए, ठीक है, थंबनेल के लिए वगैरह वगैरह। यहाँ पे नीचे अगर हम आ जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि क्रिएट टुडे, यानी आप इनमें फ्लायर भी यहाँ पे लगा सकते हो, लोगो भी बना सकते हो, बैनर भी बना सकते हो, सोशल मीडिया, सोशल स्टोरी, सोशल एड एंड ऑल इन थिंग आप यहां पे बना सकते हो। चूज ए टेम्पलेट, आप यहां पे देख सकते हो हज़ारों टेम्पलेट यहां पे मौजूद है, ठीक है। तो मज़ीद अगर आप लोग इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमने साइन अप पे होना है। तो ऊपर जो साइन अप का बटन आ रहा है हमने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे देन हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि लॉग इन टू एडोबी एक्सप्रेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे ईमेल के जरिए भी हो सकते हो, फेसबुक, एप्पल, साइन अप विद ईमेल एंड लॉग इन विद एडोबी आईडी, अगर आपके पास कोई इसका आईडी है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे करूँगा गूगल विद, कंटिन्यू विद गूगल। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा क्लिक किया। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे तब आपके सामने अपना जो आपका ईमेल होगा या जीमेल अकाउंट आपने बनाया होगा, ठीक है, देन आपके सामने वो आ जाएगा। तो मेरे सामने यहां पे एक आ चुका है, तो सिंपल सा मैंने इस पे क्लिक कर लेना है। मेरे सामने यहां पे जो मैं एडोबी एक्सप्रेस है उसमें हम लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना जो ईमेल एड्रेस है, ठीक है, वो एडोबी एक्सप्रेस को दे दी है, ठीक है। तो एडोबी अब यहाँ पे हमारे आईडी बन जाएगी, मतलब है आपका एक यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अकाउंट बनने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसने अपने अपडेट दे दिया, हमने यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे देन आपके सामने यहाँ पे न्यू इंटरफेस यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि वेब क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे हमें बता रहा है कि क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, यानी यहाँ पे आप लोग न्यू प्रोजेक्ट क्या क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कस्टम साइज भी आप देख सकते हो, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्टर, लोगो एंड समथिंग। यहाँ पे आप आगे जाते जाए यह ख़त्म ही नहीं होता, देखिए यहाँ पे फ्लायर, कॉलेज बुक कवर, एल्बम कवर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब थंबनेल, अगर आप लोग कैनवा को समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे बनाए। आप लोगों ने किसी के लिए सीवी बनानी है तो वो भी आप यहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हो, इन्विटेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। नीचे आ जाए, यहाँ पे आप बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हो, राइज इमेज भी लगा सकते हो, कन्वर्ट गिफ्ट भी कर सकते हो, कन्वर्ट वीडियो MP4 भी कर सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ पे किसी
भी वीडियो को ट्रिम भी कर सकते हो, ठीक है। तब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यानी यहाँ पे आप लोगों ने बेशुमार काम यहाँ पे करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बेशुमार टेम्पलेट भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा मैंने काम क्या करना है, यहाँ पे मैं एक यूट्यूब थंबनेल बना लेता हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल आ रहा है, इस पे जस्ट मैंने इस पे क्रिएट पे क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, देन आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे सामने कुछ थंबनेल आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे सामने ब्लैंक पेज भी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे खुद से एक थंबनेल क्रिएट करना है, ठीक है, ताकि यहाँ पे हम आसानी से काम कर सके। बिल्कुल यहाँ पे फ्री में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बता रहे हैं कि आपको आर्ट का चाहिए, बिजनेस का चाहिए, एजुकेशन का चाहिए, एंड अगर आगे आ जाए फूड, म्यूजिक, फोटोग्राफी, एंड हम अगर आगे जाए तो यहाँ पे हमें बता रहे हैं सेंसुअल, ट्रेवल एंड ऑल आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे किसी एक को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ और उसको यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है तो जस्ट मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आप सी आल पे क्लिक करते हो तब भी मतलब है यहाँ पे आपके सामने बेशुमार यहाँ पे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, और ये टेम्पलेट्स भी हमारे सामने इस तरह ओपन हो चुका है, ठीक है। देन अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको थोड़ा सा एडिट करना है, ठीक है। ये देखिए आपके सामने यहाँ पे बेशुमार थंबनेल यहाँ पे आ चुके हैं, जस्ट आप लोग इसको आसानी के साथ यूज करके यूज कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये मुझे मतलब है टेंशन ना दे। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि यहाँ पे मैंने एक इमेज लगानी है, ठीक है। तो जस्ट आप लोगों ने इमेज पे क्लिक कर लेना है, आप इसको यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। तब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा यहाँ पे जो इमेज है वो यहाँ से गायब हो चुका है। देन यहाँ पे एक झंडे की आ रही है, फ्लैग की आ रही है, तो मैंने इस पे क्लिक किया और जस्ट इस पे मैंने यहाँ पे डिलीट के बटन पे क्लिक किया, एंड देन ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी ये भी यहाँ से डिलीट हो जाएगी, ये आपने देखा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा मैंने फोटो पे क्लिक कर लेना है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड दे देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास एक अच्छा सा बैकग्राउंड आ जाए। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक किया, बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे बेशुमार बैकग्राउंड हमारे सामने ओपन हो जाएंगे, ताकि हम इसको आसानी के साथ यूज कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो ट्रेंड में बैकग्राउंड जा रहा है ये आप लोगों को बताएंगे, इसके बाद सेंटर सेटरेटिनी, एंड यहाँ पे क्योंकि इसका सारा कुछ जो है ना प्रोफॉर्म वो एच डी में होता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ, क्रॉस करने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ फोटो में, ठीक है। यहाँ पे अब ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि अपलोड फोटो भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ कि जी मैंने अपलोड फोटो पे क्लिक किया, ठीक है। अपलोड फोटो पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये हमें लेकर अपने जो पीसी है हमारा या पीसी का डैशबोर्ड है वहाँ पे ये हमें ड्रॉप करके लेकर चला जाएगा, ठीक है। और वहाँ से मैंने एक खूबसूरत सा तस्वीर उठा के यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। देन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आगे आप लोगों ने क्या करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स में, और डॉक्यूमेंट्स में मेरी यहाँ पे एक पिक्चर पड़ी हुई है, देन मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो तस्वीर है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अपलोडिंग का काम यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है, ठीक है, यानी काम हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे अपलोड हो जाए हमने आगे का काम करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग मतलब है यहाँ पे जल्दबाजी ना करें, ठीक है। लेकिन इसका सारा कुछ जो होता है वो एच डी में होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है,
अब यहाँ पे ये तस्वीर जो है इस पे मैं क्लिक करूंगा। तस्वीर पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से बड़ा किया, ठीक है। देन आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो तस्वीर है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे आ चुका है। अब है हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो टेक्स्ट आ रहा है हम इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, ठीक है। देन आप लोगों ने टेक्स्ट पे डबल क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो साइट पे यहाँ पे आप लोग देख सकेंगे कि यहाँ पे जो टेक्स्ट वहां पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि इजी वे, यहाँ पे हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि इजी वे, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या लिखा, यहां पे मैंने ये लिखा कि इजी वे टू अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है। यहां पे मैंने क्या लिखा कि इजी वे, ठीक है, टू अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है। अब यहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहां पे ऑनलाइन जो है मैंने बड़ा किया, तो इसको मैं यहां से क्लिक कर लेता हूं और एन को मैं छोटा कर लेता हूं। तब आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि मैंने यहां पे क्या लिखा, इजी वे टू अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है, 1 मंथ प्रोग्रेस अपडेट। तो इसको यहां से हमने क्या कर लेना है, अब इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये जो नीचे का आ रहा है, ठीक है। और यहां से मैं क्या कर लेता हूं, इस पे मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद यहां पे सिंपल सा मैं रैंडमली लिख लेता हूं कि कैनवा, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या लिख लिया, यहां पे मैंने लिख लिया कैनवा, ठीक है। अब यहां पे हमारे सामने ये यहां पे ओपन होकर आ जाएगा कि यहां पे हमने क्या लिखा है, कैनवा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे सामने यहाँ पे एडिट हो रही है, ठीक है। आप इसका बैकग्राउंड भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए अगर इसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं देन आप लोग यहाँ पे इसका कलर भी चेंज करना कर सकते हैं। देन आप लोगों ने इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, कोई इशू यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसको आप यहां से पकड़ के थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। देन अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे हमने क्या लिखा कि इजी वे टू अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है, विद कैनवा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूं, ठीक है, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूं कि विद कैनवा, फिर ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, विद कैनवा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे विद कैनवा हमारे सामने लिख कर खुद बहुत यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे ये हमारा एक थंबनेल बन चुका है और थंबनेल पे मैंने लिखा इजी वे टू अर्न मनी ऑनलाइन विद कैनवा। अब आप लोग इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे सिंपल सा, ठीक है। अगर आप लोग कोई शेप देना चाहते हैं, ये शेप का बटन है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं शॉर्ट कट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है, पीएनजी में आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे जो काम है वो कौन सा करना है, अब मैं आप लोगों को जो है ना इस वीडियो की पार्ट 2 बताऊंगा, ठीक है। एक पार्ट हमारा ये था कि हमने यहाँ पे डिजाइन क्रिएट करना है एडोबी एक्सप्रेस में, ठीक है। और एडोबी एक्सप्रेस में जैसे हम यहाँ पे कोई भी डिजाइन क्रिएट करेंगे, इसके बाद मैंने दूसरा जो इस वीडियो का पार्ट है वो है यहाँ पे मैं आऊंगा और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक वेबसाइट ओपन की हुई है जिसका नाम है designcrowd.com, ठीक है। तब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया designcrowd.com जो कि वेबसाइट है ऑनलाइन अर्निंग का, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि
पाँच यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से ये फ्रीलांसिंग जो है ना वेबसाइट है, हमने इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा देन हम इसके वेबसाइट पे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 2007 का बना हुआ है और ऑस्ट्रेलिया का ये जो है ना प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका हमने ट्रस्ट भी चेक करना है, आप लोग टेंशन ना लो। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर मैं इसका यूआरएल कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो कॉपी करने के बाद मैं इसके यहाँ पे आ जाता हूँ ट्रस्ट वॉलेट पे, और जैसे ही मैं ट्रस्ट वॉलेट पे आऊँगा ये हमें किसी भी वेबसाइट का ट्रस्ट बताता है कि आया वो दो नंबर वेबसाइट है या एक नंबर वेबसाइट है या एक्सेलेंट है या गुड है। ठीक है, तब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोग आएंगे और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कंपनी आर कैटेगरी। ठीक है, आप किसी कैटेगरी का यहाँ पे मतलब है अपनी तरफ से पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया designcrowd.com का। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे के यहाँ से हमने क्या किया कि designcrowd.com का हमने यहाँ पे जो लिंक कॉपी किया था वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखें, ये designcrowd की जो URL हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे आ चुका है और नीचे भी आ रहा है designcrowd। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा देन आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जो ट्रस्ट वॉलेट है या ट्रस्ट वॉलेट है कितना ये ट्रस्टेबल है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको 4.3 स्टार मिल चुके हैं और ये वेरीफाइड कंपनी है। ठीक है, रिव्यू इसके आप लोग देख सकते हैं और टोटल रिव्यू यहाँ पे आप लोगों को बता रहा है। ठीक है, ये आप लोग इसके कमेंट्स पढ़ सकते हो, लोगों की कमेंट्स पढ़ सकते हो, यानी ये एक ट्रस्टेबल वेबसाइट है। ठीक है, देन मैं अपने वेबसाइट पर आ जाता हूँ। ठीक है, अपनी वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गेट स्टार्ट नाउ। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि गेट द प्रॉफिट कस्टम डिजाइन एवरी टाइम। अच्छा, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रीलांसर डिजाइनर इतने हैं। ठीक है, ये 25 से 100 प्रोजेक्ट अभी भी पड़ी हुए हैं, कंप्लीट प्रोजेक्ट ये हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लोग नीचे आए, ठीक है, तब आप लोग यहाँ पे क्या करना है, लोगो डिजाइन भी कर सकते हो, बिजनेस कार्ड भी बना सकते हो, वेब डिजाइन हो, फ्लायर हो, ग्राफिक डिजाइन हो या टी शर्ट डिजाइन हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना जनाब 14 डिजाइन यहाँ पे है, 5 डिजाइन कंप्लीट हो चुके हैं, लोगो डिजाइन ये अभी भी प्रोजेक्ट यहाँ पे पड़ी हुए है। ठीक है, ये वो प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं, हो रहे हैं। देन अगर मैं यहाँ पे सी आल पे क्लिक करूँ ना, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक वेब डिजाइनर हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया वेब डिजाइनर पे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने वेब डिजाइनर पे क्लिक किया देन आप लोग यहाँ पे फिर भी हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे गेट स्टार्ट आप करें, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 32 वेबसाइट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और नौ डिजाइनर यानी 32 अभी भी यहाँ पे जॉब अवेलेबल है, 47 जॉब में से 15 हो चुके हैं, बाकी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तब आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह आप लोग यहाँ पे अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है और आप लोगों ने रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे क्लिक करोगे देन आपके सामने क्रिएट फ्री अकाउंट आएगा, आप लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट नेम देना है। ठीक है, तो जैसे आप लोग यहाँ पे फर्स्ट नेम दोगे तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया फर्स्ट नेम। ठीक है, ईमेल आप लोगों ने देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये वाला ईमेल मैं दे देता हूँ। ठीक है, और ये देने के बाद यहाँ पे हमने कोई सा पासवर्ड चूज करना है, तो मैं अपनी तरफ से एक पासवर्ड लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे याद हो। ठीक है, आप लोगों ने वही पासवर्ड देना है जो कि आप लोग याद होते। यहाँ पे ये मुझे ये बता रहा है कि आई एम कस्टमर या आई एम डिजाइनर, तो मैं यहाँ पे क्लिक डिजाइनर पे क्लिक करूंगा। अभी मुझे ये बता रहा है कि आपका जो पासवर्ड है वो 8 डिजिटल से कम है, तो मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा कर लेता हूँ। ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा देन यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें बता रहा है कि क्रिएट योर प्रोफाइल। ठीक है, डिजाइन प्रोफाइल हो या
यहाँ पे आप किस मतलब है के पनीर पे लेंगे, तो यहाँ पे डिस्प्ले में नाम वैसे दे देता हूँ जमशेद, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लास्ट देना है खान, ठीक है। और ये हम पाकिस्तान से है, पेनीर अकाउंट है, ठीक है मेरे पास, और पेपाल अकाउंट भी है, दोनों भी है, ठीक है। पेमेंट मेथड तो मैं यहाँ से लूँगा, ठीक है। तब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारा कुछ यहाँ पे हो चुका है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपके पास पेनीर का अकाउंट नहीं है, पेनीर का भी बना लूंगा, और पाकिस्तान में आप लोगों ने पेपाल का कैसे बनाना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, देन आप लोग यहाँ पे मुझे बता रहे हैं कि डिस्प्ले नाम जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब फिर भी डिस्प्ले नाम ये दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने डिस्प्ले नाम दे दिया। अब यहाँ पे मैंने फिर से क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये हमें क्या कह रहा है। बस ठीक है, हमारा जो यहाँ पे अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। हमें ये बता रहा है कि आप लोगों के पास एक ईमेल आया होगा, आप लोगों ने उस ईमेल को यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो मैंने यहाँ पे ईमेल पे आ जाना है और यहाँ पे मैंने ईमेल ओपन करना है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे ईमेल ओपन करूंगा, तब हमारे सामने इस क्राउड डिजाइनर का एक ईमेल आया होगा, हमने जस्ट उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोगों ने इसको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने देन काम छोड़ देना है, लोग आपको खुद यहाँ पे काम देंगे, ठीक है। कि आप वेब डिजाइनर है, आप अपना सीवी हमें सेंड करें, हम आपका काम देखेंगे, ठीक है। अगर आपको काम आता है तो वेल डन, गुड। अगर नहीं आता तब भी मतलब है मैंने यहाँ पे आप लोगों को सारा कुछ सिखा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे कंफर्म योर ईमेल आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से कंफर्म कर लूँगा, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पे आ जाएंगे अपने प्रोफाइल पे। तब आप लोगों ने यहाँ पे सारा कुछ आप लोगों ने यहाँ पे फिल किया हुआ है पहले से। तो यहाँ पे अगर आप लोग फ़ोन नंबर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग जल्दी जल्दी से फ़ोन नंबर दे देंगे, कंपनी नेम दे देंगे, एड्रेस दे देंगे, सिटी स्टेट्स, और यहाँ पे अपना पोस्टल कोड दे देंगे, एंड यहाँ पे आप लोगों ने अपडेट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। देन मुझे बता रहा है कि आप लोगों ने कंट्री नहीं दी है, ठीक है। तो कंट्री में यहाँ से पाकिस्तान दे देता हूँ, और यहाँ से मैं अपडेट डिटेल्स पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर लेना है कि ये जो प्रोफाइल है वो मेरा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। देन आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन आएगा, और व्यू इंटरफेस सारा कुछ यहाँ पे हमारे पास आएगा। अगर आप लोगों ने क्रिएट स्किल पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे आप अपना स्किल सेलेक्ट कर लोगे, पब्लिक प्रोफाइल आपका ये है, ठीक है। अगर आपका वेबसाइट है तब आप लोगों ने देना है अपना, यहाँ पे कुछ आप लोगों ने अगर अपनी तरफ से लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ईमेल सब्सक्रिप्शन हमने दिया हुआ है, ठीक है। एंड टैग्स भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि आप लोग फ्रीलांसर हो, जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं, तो ये चीज मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ। यहाँ पे फ्रीलांसर हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से आप जो देना चाहते हैं तो वो आप दे दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाए एनिमेटर है, टेक्निकल है, जो भी है आप लोगों ने यहाँ पे ये दे देना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोफेशनल, ठीक है। और प्रोफेशनल देने के बाद यहाँ पे मुझे चार टैग्स बता रहे हैं कि आप इसने चार टैग्स यहाँ पे क्रिएट करने हैं, और इसमें आप लोगों ने 12 टैग क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वर्डप्रेस प्लगइन, वर्डप्रेस थीम्स, फोटो एडिटिंग, एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेटाबेस, ठीक है। और डेटा कितने हो गए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। कोरल ड्रा मुझे नहीं आता, मोबाइल डेवलपमेंट में नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अदर आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे आप लोगों ने क्या क्या क्रिएट करना है। एंड यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, नीचे आके आप लोगों ने अपडेट टैग्स पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जितनी भी ज्यादा टैग्स आप लोग यहाँ पे लगाओगे, उतनी ही ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे क्या होगा, बेनिफिट होगा, ठीक है। तब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, हम आ जाते हैं डिजाइन के होम पेज पे, ठीक है।
और यहाँ से आप लोग हजारों नहीं लाखों यहाँ पे प्रोजेक्ट पड़ी हुई है, इन लोगों को लोग नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, ताकि ये काम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है तो मैंने यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर पे क्लिक किया, तब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी जो अवेलेबल है काफी यहाँ पे काम अवेलेबल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तन आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह यहाँ पे आप लोगों ने अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे काम शुरू कर देना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा काम यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए 11 इसको ग्राफिक डिजाइनर चाहिए और 5 डिजाइनर इसको मिल चुके हैं, यहाँ पे 66 इसको चाहिए, 16 मिल चुके हैं, यहाँ पे 26 चाहिए, 11 इसको मिल चुकी है, बकाया नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तब आप लोगों ने यहाँ पे आके अकाउंट बना लेना है और यहाँ से आप लोगों ने पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यही, अगर किसी को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो। ठीक है, पनियाला टैग यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि ऑनलाइन अर्निंग के मुतालिक या जो भी कोर्स में अपलोड करता रहूं फ्री में, आप लोग वो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो दीजिएगा इजाजत, पाकिस्तान जिंदाबाद।